ओके चलो स्टार्ट करते हैं। हैंड रिटन शीट नंबर 73, ये लास्ट टाइम हम गैल्वेनोमीटर की शीट कर रहे थे और हैंड रिटन शीट नंबर 73 हमारी पेंडिंग थी, यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो गैल्वेनोमीटर के अंदर हमने क्या किया था, गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर। तो एक ना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो, वो कभी किसी क्वेश्चन में कहेगा देयर इज एन एमीटर, देयर इज एन एमीटर और जिसकी रेजिस्टेंस इज जी, तो कई लोग सोचते हैं कि ये कैसे हो सकता है, एक एमीटर की रेजिस्टेंस जी कैसे होगी, वो तो गैल्वेनोमीटर होना चाहिए। तो गैल्वेनोमीटर भी एक छोटा एमीटर ही है जो छोटे करंट्स को मेजर करता है। तो ऐसा नहीं है कि वो एमीटर बोलेगा तभी एमीटर लेना है, तो कोई भी मीटर बोले, बस ये देखना है कि वो काम क्या करता है, वो करंट को मेजर करता है, मान लो I1। और अब वो मीटर, जो भी मीटर, चाहे एमीटर नाम दे, चाहे वोल्ट मीटर दे, चाहे गैल्वेनोमीटर दे, क्योंकि बना तो वो प्रिंसिपल उसका टॉर्क ही है, तो नाम पे नहीं जाना वो कौन सा मीटर है, वो जो भी मीटर है वो करंट मेजर करता है। और आप चाहते हैं कि उस मीटर की रेंज बढ़ जाए और अब वो ज्यादा करंट मेजर करे, यानी कि I2। ठीक, तो यानी कि आप बोलेंगे कि वो मैंने एक छोटे मीटर को एम मीटर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि एम मीटर वर्ड तब यूज करते हैं जब करंट की रेंज बढ़ जाती है। तो क्या पता ये पहली एम मीटर हो और एक बड़ा एम मीटर बन रहा हो, क्या पता गैल्वेनोमीटर से आपने एम मीटर बनाया हो, कुछ भी हो सकता है। तो मीटर के नाम पे नहीं जाना, किस पे जाना है कि करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वो एम मीटर है, और जब करंट की रेंज बढ़ती है तो शंट लगती है हमेशा, लास्ट टाइम किया था। और कभी कभी ऐसे होगा कि एक मीटर है, कौन सा मीटर है, कभी बोलेगा एम मीटर, कभी बोलेगा वोल्ट मीटर, कभी बोलेगा पता नहीं कौन सा करंट मीटर, कुछ भी बोल दे। और अगर वो ये बोलता है कि वो V1 वोल्टेज मेजर करता है और मुझे उसकी वोल्टेज कितनी करवानी है, V2, करंट रिमेनिंग दी सेम, और पहले करंट इंक्रीज करवाना था, V रिमेनिंग दी सेम, तो अब वो वोल्टेज इंक्रीज या डिक्रीज करवाना चाहता है, इसका मतलब वो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करवाना चाहता है, चाहे वो पहले ही वोल्ट मीटर हो या ना हो, पर वो वोल्टेज की रेंज बढ़ाना चाहता है, तो रेजिस्टेंस किसमें लगेगी, इन सीरीज। जब V की रेंज इंक्रीज करनी है तो सीरीज में, और अगर करंट की रेंज इंक्रीज करनी है तो शंट पैरेलल में, बस ये रूल है। क्या पॉइंट क्लियर है? तो मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, जो हमने लास्ट टाइम क्वेश्चंस किए थे, वो लास्ट टाइम के जो क्वेश्चंस हैं वो हमने थोड़े फॉर्मूला बेस्ड ऐसे किए थे, लेकिन उसका एक बहुत सही फॉर्मूला है ये, जो मुझे बहुत सही लगता है, और मुझे लगता है कि इन दो फॉर्मूलाज के ऊपर ही आपके सारे गैल्वेनोमीटर और एमीटर के क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, सिर्फ दो फॉर्मूलाज के ऊपर। तो उन फॉर्मूलाज को देखते हैं, उसको अप्लाई करके देख लेते हैं। जैसे सपोज, और कितने लोगों ने ये शीट रिवाइज कर ली वैसे, गैल्वेनोमीटर एमीटर किया था ट्राई, ठीक है, मतलब समझ में आ रहे थे, थ्योरी भी रिवाइज कर ली, ठीक। तो अब सपोज करो क्वेश्चन ये है टू इंक्रीज द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर एंड एमीटर। तो देखो पहला पार्ट है कि अगर मुझे रेंज ऑफ एमीटर बढ़ानी है, तो एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए, और मान लो एमीटर की रेजिस्टेंस क्या है, जी, अब आप इसका नाम गैल्वेनोमीटर दें, आप इसका नाम एमीटर दें, पर मुझे ये बात समझ में आ चुकी है कि आप इसकी रेंज बढ़ाना चाहते हैं, मान लो वो IG करंट की जगह कितना मेजर करे, I करंट मेजर करे, मैं ये चाहता हूं। अब नाम में क्या रखा है कि एमीटर से एमीटर बना या गैल्वेनोमीटर से, रेंज बढ़ गई, तो रेंज बढ़ने के लिए क्या लगेगी, शंट पैरेलल में। शंट का फॉर्मूला हमने भी किया था, लेकिन बहुत सही फॉर्मूला है ये, जी डिवाइडेड बाई एन माइनस वन, बहुत सही फॉर्मूला, वेयर एन का मतलब नई रेंज डिवाइडेड बाई पुरानी रेंज। अगर पुराना करंट IG और नया करंट I है, तो एन का मतलब नया करंट बाई पुराना करंट, ये पुट कर दो, एक मिनट में आंसर आएगा। कैसे, ये प्रूफ आपने नहीं करना, और ये कोई प्रूफ सिर्फ आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए, आपको सिर्फ फॉर्मूला आना चाहिए। तो मैंने इसलिए प्रूफ करके दिखाया था कि आपको ऐसा ना लगे कि हमने कोई नई थ्योरी कर ली। तो मैंने ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एन की जगह आई बाई IG किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वही फॉर्मूला आ गया जो हमने बनाया था। तो हमने भी यही फॉर्मूला बनाया था, इसका भी यही फॉर्मूला है, तो बहुत बढ़िया फॉर्मूला है वो, इसको आज मैं यूज करके भी दिखाऊंगा। तो क्लियर है, प्रूफ करना नहीं आपने, ये फॉर्मूला याद रखना है शंट का, हालांकि आपका फॉर्मूला वही बन जाएगा शंट का, IG इंटू जी बाई आई माइनस IG, सेम फॉर्मूला है, पर ये एन वाला फॉर्मूला ज्यादा याद करना ईजी है दरअसल। जैसे अगर वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ानी है, तो अगर एक वोल्ट मीटर है और आप चाहते हो एक नया वोल्ट मीटर बन जाए, पुराना वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, VG, नया वोल्ट मीटर क्या मेजर करे, V, रेंज बढ़ गई, तो N का मतलब नई रेंज बाय पुरानी रेंज, तो आप सीरीज में R लगाएंगे, और सीरीज में R कितना लगाएंगे,
जी इंटू एन माइनस वन, जबकि हमने किसी और तरीके से फॉर्मूला याद किया था। बढ़िया फॉर्मूला है, एन की जगह आप पुट कर सकते हैं वी बाई वी जी। मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ, करना नहीं है आपने। अगर मैं एन की जगह वी बाई वी जी पुट करूँ, आर बाई जी एक तरफ, वन एक तरफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी इज इक्वल टू वी जी एक तरफ, तो ये टर्म आ गई। और इसके अंदर वी जी का मतलब वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की वोल्टेज क्या होती है? वोल्ट करंट इन गैल्वेनोमीटर इनटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ओम लॉ लग गया। इसको ओपन करो, ओपन करके वही रिजल्ट आ गया जो हमने क्लास में प्रूव किया था, और मैंने इसकी करेक्शन भी करवाई थी आपको। तो मतलब इतना बड़ा करने की बजाय वो वाला फॉर्मूला सफिशियंट है। अब इन दोनों फॉर्मूलाज को यूज कैसे करना है इसको एक बार देखते हैं। जैसे एक स्टेटमेंट है, एन आइडल एम मीटर, कोई भी जो एम मीटर होगा, और जो आइडल एम मीटर होगा उसकी रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो होगी, क्योंकि हमने एम मीटर में सीखा था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस लगती है। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आती है, शंट तो ऑलरेडी ही बहुत छोटी होती है, 0.001 या बहुत छोटी। शंट क्योंकि स्मॉल है और रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और छोटी आ जाती है, और ये रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा छोटी आएगी, अप्रोचिंग टू जीरो, इसलिए बोला जाता है ऑलमोस्ट जीरो। आइडल एमीटर रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो मानी जाती है, और ऐसी आइडल वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट मानी जाती है, क्योंकि आर के साथ गैल्वेनोमीटर किसमें कनेक्टेड है? सीरीज में। इफ आर इज वेरी 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 हाई तो वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट इनफाइनाइट हो जाती है। तो अब क्वेश्चन है, अगर एम मीटर की रेजिस्टेंस जी है और एम मीटर करंट कितना मेजर कर रहा है? आई वन। मैं चाहता हूं कि करंट कितना मेजर करे? आई टू। तो क्या लगानी पड़ेगी? अब देखो, वी के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, करंट की रेंज बढ़ रही है, तो क्या लगानी पड़ेगी? शंट। शंट का फॉर्मूला क्या करवाया था? एन माइनस वन। तो एक क्यों ना ऐसा काम करें, एन की जगह पुट कर लेते हैं नया करंट बाय पुराना करंट, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ गया, प्रूफ की जरूरत ही नहीं है। तो ये फॉर्मूला बहुत सही फॉर्मूला है रेंज बढ़ाने का, कि नई रेंज बाय पुरानी रेंज, एन निकालो और एन की वैल्यू को पुट कर दो, एक मिनट में आंसर आ गया। क्लियर है यहां तक? तो ये प्रूफ की आपको कोई जरूरत नहीं है, बस सीधा एक ही गो में आंसर आएगा। जैसे रेंज ऑफ वोल्ट मीटर कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज्ड। देखो, इसके अंदर जो एम मीटर है वो गैल्वेनोमीटर से कैसे बना था? एम मीटर बना था जब गैल्वेनोमीटर के साथ हमने क्या लगाई थी? शंट पैरेलल में, ऐसे बना था। शंट लगने से ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाती है, तो जब भी एम मीटर बनाना होता है तो शंट लगती है और ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाती है, और करंट की रीडिंग I1 से I2 हो जाती है, यानी कि अब वो ज्यादा करंट मेजर कर पाता है, यही रूल था। अब वो कहता है कि मेरे को ज्यादा करंट मेजर नहीं करना, मेरे को तो कम करंट मेजर करने का मीटर चाहिए। मान लो मेरा मीटर ये है, वो ज्यादा करंट मेजर कर पा रहा है, मुझे रेंज कम करनी है, रेंज कम करने का मतलब I1 मेजर करवाना है। तो किसी ने सोल्यूशन दिया, क्यों ना ऐसा करें, शंट हटा दो, अपने आप ही I2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? I1 में। सही है, शंट लगाओगे तो रेंज बढ़ जाएगी, हटाओगे तो कम हो जाएगी। बिना हटाए, शंट को बिना हटाए रेंज को कम नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार और पैरेलल में लगा दिया तो रेंज बढ़ जाएगी, और सीरीज में लगाने से एमीटर बनता नहीं। तो अल्टीमेटली रेंज एमीटर की बढ़ तो सकती है, कम करने के लिए आपको एस हटाना ही पड़ता है, नहीं तो हो नहीं पाएगी। लेकिन वोल्टमीटर में हो पाती है, वोल्टमीटर जब गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनता है, अगर आपको याद हो तो आर सीरीज में लगता है, जितनी हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगेगी वोल्टेज की रेंज उतनी ज्यादा बढ़ जाती है, हाई वोल्टेज मेजर करेगा। आप मान लो रेंज को कम करना चाहते हो कि वो कम वैल्यू मेजर करे, तो कोई बात नहीं, आप आर के साथ कुछ शंट पैरेलल में लगा दो ताकि इसकी रेजिस्टेंस थोड़ी सी कम हो जाए, कम होएगी तो रेंज वोल्टेज की कम हो जाएगी। तो वोल्टमीटर में रेंज को बढ़ाना और कम करना ईजी है, एम मीटर में बढ़ाना तो ईजी है लेकिन कम करना मुश्किल है। आइडिया समझ में आ रहा है? तो इसकी इसके बेस पे तो ये स्टेटमेंट है, वोल्टेज रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज टू एन टाइम्स, तो वोल्टेज रेंज एन टाइम्स हो जाएगी, वो कह रहा है। कैसे? वोल्टेज वी है और अब वोल्टेज कितनी हो जाएगी? एन टाइम्स हो जाएगी। तो आपको नहीं लगता कि वी पहले वोल्टेज वी जी है, अब वोल्टेज कितनी हो जाएगी? एन टाइम्स। तो एन का मतलब क्या हुआ? वी डिवाइडेड बाय वी जी, यानी कि नई रेंज अपॉन पुरानी रेंज। तो ये चीज क्लियर है। और अगर वोल्टेज की रेंज बढ़ानी है तो हमें रेजिस्टेंस किसमें लगानी पड़ेगी? इन सीरीज। और सीरीज में लगाने का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिया,
बस n की जगह फॉर्मूला पुट करना है v डिवाइडेड बाय vg। तो इसके प्रूफ की जरूरत आपको नहीं है, बस ये सीधा फॉर्मूला कैसे बना ये आपको पता होना चाहिए। पॉइंट समझ में आ रहा है कि आप देखो मैं दो ही फॉर्मूला यूज कर रहा हूं और कोई फॉर्मूला यूज भी नहीं कर रहा मैं इसमें, ठीक है यहां तक? देखो देखो, तो इफ रेंज ऑफ वी मीटर वोल्ट मीटर है जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है जी डैश इज इंक्रीज्ड फॉर्म, पहले वो वी वन मेजर करता है, अब मैं चाहता हूं वो क्या मेजर करे, वी टू मेजर करे, तो मेरे को इसके अंदर क्या लगानी पड़ेगी, कोई रेजिस्टेंस आर डैश सीरीज में, क्यों? क्योंकि वोल्टेज की रेंज बढ़ाने के लिए सीरीज में आर लगता है, और R का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, क्या था अभी, G इंटू कितना N माइनस वन, तो R डैश की वैल्यू G की जगह यहां पर क्या रेजिस्टेंस चल रही है G डैश, तो G डैश इंटू N की जगह क्या पुट करें V2 बाय V1, LCM ले आंसर आ गया, एक बारी में आंसर आएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्रूफ भी देखने की जरूरत नहीं है, बट डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करें आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है, बस आप ये देख लें कि R लगेगा या S लगेगा, वो तो पता लग ही जाएगा, वोल्टेज की रेंज बढ़ानी है तो R, करंट की रेंज बढ़ानी है तो S, और N की जगह पुट कर दें, इससे बड़ी और कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता। जैसे वोल्ट मीटर फिर देखते हैं, देखो देयर इज अ वोल्ट मीटर ऑफ रेंज V, ये V मेजर करता है और रेजिस्टेंस कितनी है इसकी G डैश, मुझे क्या कन्वर्ट करना है इसमें, एम मीटर जो क्या मेजर करे आई, तो मुझे शंट लगानी पड़ेगी। पहले एक चीज डिसाइड करते हैं कि पता कैसे लगता है कि शंट लगेगी या आर लगेगा, क्योंकि आपका कोई वोल्ट मीटर है जो जितना भी करंट मेजर करता है, मान लो शुरू में आई वन मेजर करता है, गिवन नहीं है, मैंने मन में एज्यूम कर लिया आई वन करता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो एम मीटर बने। अब नाम पे मत जाना, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वोल्ट मीटर से एम मीटर बना दिया, तुम्हें क्या लेना, किसी मीटर से किसी मीटर बनाया हो, नाम को तो पढ़ना ही नहीं, जिस मर्जी मीटर को जिस मर्जी में कन्वर्ट करें, आप काम देखो वो क्या करेगा, वो फाइनली एम मीटर बनाना चाहता है, इसका मतलब वो करंट की रेंज बढ़ाना चाहता है, वोल्टेज में वो कोई चेंज नहीं चाहता, वो चाहता है कि करंट बढ़ जाए और आई हो जाए, तो यानी कि जब करंट की रेंज बढ़ाना चाहता है तो शंट लगेगी। तो आप नाम के चक्कर में पड़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, काम के चक्कर में पड़ना है कि वो करना क्या चाहता है, अगर वो वोल्टेज की रेंज बढ़ाना चाहता है तो फिर तो आर लगेगा, अगर करंट की रेंज बढ़ाना चाहता है तो फिर करंट लगेगा जो है एस लगेगा। अब एस का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, क्या था, जी डिवाइडेड बाय एन माइनस वन, इसमें जी की जगह जी डैश हो गया, एन माइनस वन, अब एन यहां पर क्या होगा बताओ, आई डिवाइडेड बाय आई वन होगा, राइट, तो एस इज इक्वल टू जी डैश आई डिवाइडेड बाय आई वन माइनस वन। अब यहां पे ओम लॉ लगाओ, क्योंकि V तो सेम रहेगा
क्योंकि एमीटर बनाना है तो करंट चेंज होगा, वी थोड़ा चेंज होगा, तो वी इज इक्वल टू आई वन इंटू जी डैश। तो आई वन की वैल्यू क्या आएगी, वी डिवाइडेड बाई जी डैश, तो जी डैश आई वन की जगह वी डिवाइडेड बाय जी डैश माइनस वन। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? तो आप चेक करो, यहां तक तो मैंने लिख ही दिया ये रहा, और यहां पर आई वन की जगह क्या पुट किया, वी बाय जी डैश, आंसर शंट आ गया। तो मतलब ये फॉर्मूला बहुत काम की चीज है, इस फॉर्मूले को ही अप्लाई करते रहो रेंज इंक्रीज डिक्रीज करने में, इससे बढ़िया कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई डाउट इसमें? ठीक। जैसे इफ एन एम मीटर, अब नया क्वेश्चन है कि अगर कोई एम मीटर है जिसकी रेंज आई है, यानी कि ये मीटर क्या मेजर करता है, करंट आई, एंड रेजिस्टेंस कितनी है इसकी जी, इज टू बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर। अब देखो आप काम से मतलब रखो, नाम ना देखो, वोल्ट मीटर में बनाना है ठीक है, यानी कि क्या चीज चेंज करना चाहता है, वोल्टेज, यानी कि वोल्ट मीटर बनाने का मतलब वोल्टेज की रेंज बढ़ाना चाहता है, तो यानी कि एस लगेगा कि आर, आर लगेगा, तो आर लगेगा, तो आर की वैल्यू कितनी लगेगी वो ये बता रहा है। हमने लास्ट टाइम एक फॉर्मूला किया था सीधा आर का, वी डिवाइडेड बाय जितना भी करंट मेजर करता है गैल्वेनोमीटर माइनस उसकी रेजिस्टेंस, जी डैश की जगह ना जी कर लेना, यहां पे करेक्शन है, ये जी डैश नहीं है ये जी है। और लास्ट टाइम जो एनसीईआरटी की मैंने शीट दी थी उसमें वो फॉर्मूलाज की लिस्ट थी जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, उसमें ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, चेक कर सकते हो, फॉर्मूला उसमें ऐसे लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर माइनस रेजिस्टेंस ऑफ, नहीं आर की वैल्यू सॉरी इज इक्वल, ये लिखा हुआ है, आप चेक कर लेना, ये फॉर्मूला उसमें यूज हो रहा है, जिन्होंने रिवाइज की होगी शीट ये फॉर्मूला जरूर देखा होगा, तो इसी फॉर्मूले को सीधा यूज करके आर आ गया। क्लियर है यहां तक? तो आर का फॉर्मूला कैसे लिखना है समझ में आ रहा है, तो ये प्रूफ की आपको जरूरत इसमें नहीं है, नो नीड ऑफ प्रूफ, लिख सकते हो, क्रॉस कर दो इसे। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू डिक्रीज, अब देखो ये पहला क्वेश्चन है, अभी तक हमने वोल्टेज को हमेशा इंक्रीज किया, अब हम क्या करना चाहते हैं, डिक्रीज। इन ऑर्डर टू डिक्रीज द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, वी मेजर करता है और क्या करना चाहता हूं, वी बाय एन। तो मैंने आज अभी डिस्कस किया था जो वोल्ट मीटर होते हैं ना, वोल्ट मीटर ये होते हैं, वोल्ट मीटर की अगर रेजिस्टेंस कम कर दें तो इसकी रेंज कम हो जाती है, और कम करने का तरीका क्या होगा, पैरेलल में कुछ लगाना पड़ेगा और पैरेलल में क्या लगती है, शंट। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें वोल्टमीटर में शंट लगती है, जब भी रेंज बढ़ानी हो वोल्टमीटर की तो आर सीरीज में, लेकिन कम करनी हो तो शंट से कम हो जाएगा। अब शंट का जो फॉर्म, अब क्योंकि इसमें मान लो करंट पहले कितना मेजर कर रहा था आई, करंट अब भी आई मेजर करेगा क्योंकि चेंज मुझे क्या करना है इसमें, वी, मुझे वोल्टमीटर बनाना है, करंट थोड़ा चेंज करना है, तो वोल्टमीटर की रेंज को कम करना है बिना करंट को छेड़े। तो यहां पर जब पहला केस है तो V इज इक्वल टू I इंटू जी, ओम्स लॉ, दूसरे केस में V डैश नई वोल्टेज V बाय N हो जाएगी, I इंटू हम G के साथ पैरेलल में क्या लगाएंगे, S लगाएंगे, G इंटू S, G प्लस S। यहां से I की जगह V बाय G, V डैश की जगह V बाय N, V से V कैंसल, इस रिजल्ट को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, S की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो एक ऑब्जेक्टिव शीट दी थी मैंने एज अ होमवर्क, नंबर क्या था मुझे पता नहीं उसका, 35। तो एक ऑब्जेक्टिव शीट दी थी 35, ठीक ये शीट थी, इस शीट को आपने ट्राई करना है क्योंकि आज की जो शीट हुई वो इसी के ऊपर बेस्ड है सारी, तो मोर देन 80% प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी इसमें, ठीक। तो एक बार इसको ट्राई करना प्लीज, मैं इसको अपलोड कर दूंगा तो आपने एक बार ट्राई करना है, राइट।